हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। वापस आ गया मैं, देखो नए टॉपिक के साथ। आज जो अभी हमारा टॉपिक है इस कंस्ट्रक्शन वीक का, ये तीसरा लाइव है, तीसरा लाइव। और इसमें आज मैं आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप सभी ज्वाइन हो चुके हो यार, सबसे पहले तो कमेंट्स करना शुरू करें और लाइक करना शुरू कर दें। मैं जब तक कि आप लोगों की कमेंट्स पढ़ना शुरू करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है हमारे पास। मोतीराम जवान, हेलो सर। एस के पठान, अस्सलाम वालेकुम। फजल सर, वालेकुम अस्सलाम, है ना। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। हेमलता वर्मा, हेलो सर, आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट नॉलेज। बिल्कुल, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में। हम है तैयार? बिल्कुल यार, मैं भी हूं एकदम तैयार। और अभी हम लोग सीधा चलेंगे अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे सिविल इंजीनियर जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सी लेयर होती है आखिर फ्लेक्सिबल पेमेंट में। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि कौन सी लेयर होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, लेयर वाइज पढ़ेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जानेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस लाइव को, ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सिविल इंजीनियर्स तक पहुंचाइए। और यार लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए जानिए फ्लेक्सिबल पेमेंट की पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मतलब क्या, कुछ लेयर्स हैं जिसे मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, मेरा पहले सवाल आप लोगों से कि सबसे पहली लेयर कौन सी होती है। सबसे पहली लेयर होती है हमारी सबग्रेड की। सबसे पहली लेयर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस रोड के, हाईवे के फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबसे पहली लेयर होती है हमारी सबग्रेड की। सबग्रेड का जो मटेरियल होता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये मटेरियल हो सकता है अर्थन मटेरियल, मतलब सॉइल मटेरियल हो सकता है, मुरुम मटेरियल हो सकता है, या फिर एग्रीगेट मटेरियल भी हो सकता है, या फिर स्टोन मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों तीनों मटेरियल इसमें यूज किए जा सकते हैं सबग्रेड में। अभी अगर आप लोगों ने पेन और कॉपी नहीं निकाली होंगी तो अभी निकालिए, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने वाला हूं, जो कि एक क्वालिटी कंट्रोल वाले सिविल इंजीनियर को भी आना चाहिए, जो कि QNQC में जाने वाला है, कि सबग्रेड का जो CBR वैल्यू होना चाहिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में, वो 5% से ज्यादा होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों के लिए, कि सबग्रेड का जो CBR वैल्यू है वो 5% से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए कमेंट की तरफ बढ़ते हैं तब तक, ठीक है। ग्रेट सर, द थर्ड सेशन इन अ सिंगल डे, नाइस। चलिए सर, ठीक है। CBR का फुल फॉर्म अगर नहीं पता है तो लिखिए कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो एक टेस्ट है जिसका परसेंटेज 5% से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग उस मटेरियल को हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेशन, अगली लेयर जो है वो है हमारी GSB की। GSB का फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिए अभी। GSB का फुल फॉर्म है हमारा ग्रैनुलर सबबेस। लिखना शुरू करना है आप लोगों को मेरे साथ साथ, सबग्रेड GSB। GSB का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, ग्रैनुलर सबबेस। लाइक करना नहीं रुकनी चाहिए, मुझे नंबर्स दिखते रहने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा क्या बताया मैंने, GSB का फुल फॉर्म है ग्रैनुलर सबबेस। अब ये ग्रैनुलर सबबेस GSB, ये जो लेयर है ये होती किस चीज की लेयर है, ये होती है एग्रीगेट्स की लेयर। एग्रीगेट्स का मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, 75 mm। लिखते रहना है मेरे साथ, चलिए मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं, है ना, कि जो हमारा GSB होता है इसका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो होता है हमारा, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना होता है, 75 mm। क्या याद रखना है आप लोगों को, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट याद रखना है, 75 mm होता है। सबग्रेड में क्या पॉइंट याद रखने कहा था मैंने आप लोगों को, सबग्रेड में आप लोगों को याद रखना है कि हमारा जो सबग्रेड होता है उसकी 5% से ज्यादा CBR वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, 5% से ज्यादा CBR वैल्यू,
ठीक है 5% से ज्यादा होनी चाहिए सीबीआर वैल्यू। अब जीएसबी के बाद कौन सी लेयर आएंगी हमारी, जीएसबी के बाद लेयर आने वाली है हमारी डब्ल्यूएमएम की। डब्ल्यूएमएम का फुल फॉर्म लिखना है सभी को, डब्ल्यूएमएम का फुल फॉर्म है हमारा वेट मिक्स मैकेडम, वेट मिक्स मैकेडम, डब्ल्यूएमएम का फुल फॉर्म है वेट मिक्स मैकेडम। अब इसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है, इसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है, तो इसमें मटेरियल जो यूज होता है वो मैं लिखने वाला हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें स्टोन एग्रीगेट्स यूज होते हैं, स्टोन एग्रीगेट्स यूज होते हैं, है ना, प्लस स्टोन चिप्स भी होती है इसके अंदर, स्टोन चिप्स भी होती है इसके अंदर, और इसमें स्टोन डस्ट भी होती है ना, क्या होती है इसमें, स्टोन डस्ट भी होती है। तो सारे स्टोन के मटेरियल होते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, सारे स्टोन का मटेरियल होता है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एक और लेयर यूज की जाती थी डब्ल्यूएमएम के पहले, वो लेयर थी डब्ल्यूबीएम की। इसके अलावा भी डब्ल्यूबीएम की भी लेयर यूज करते थे पहले, डब्ल्यूएमएम के साथ साथ डब्ल्यूबीएम की भी लेयर यूज की जाती थी डब्ल्यूएमएम से पहले, लेकिन उसे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स भी थे, उसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स भी थे, ठीक है, तो सॉइल पार्टिकल्स होने की वजह से हमारा डब्ल्यूबीएम थोड़ा सा वीक होता था स्ट्रेंथ में। तो अब डब्ल्यूबीएम का यूज कंप्लीटली हाईवे कंस्ट्रक्शन में बंद कर दिया गया है, ताकि हम लोग डायरेक्टली डब्ल्यूएमएम की लेयर का यूज करें और हमारा जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा, है ना, स्ट्रांग रहे, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने क्या कहा है आप लोगों से कि आप लोगों को लाइक और कमेंट करते रहना है, है ना, थोड़ा, ठीक है। अब इसके बाद डब्ल्यूएमएम के बाद अगली लेयर कौन सी आने वाली है, डीबीएम। डीबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, डेंस बिटुमेन मैकेडम। मेरे साथ लिखते चलना है ना, मेरे साथ लिखते चलना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, हार्ड मुरुम भी बिल्कुल यूज होगा, मुरुम भी बिल्कुल यूज होगा सबग्रेड में, मैंने आप लोगों को बताया है, सॉइल मटेरियल, मुरुम मटेरियल, एग्रीगेट मटेरियल, ये सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हो सबग्रेड में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इंडियन फार्मिंग का, सर 16 फीट पर कॉलम है टू बीम कितने फीट का डाले। सर आप इंजीनियर है लेकिन ये अभी हमारा हाईवे कंस्ट्रक्शन का सेशन चल रहा है, मैं ये क्वेश्चन जरूर किसी सेशन में लूंगा ताकि आपको डिटेल में ये मैं समझा सकूं, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, मुझे दिखते रहना चाहिए, और सब्सक्राइब अगर अभी तक के नहीं किया होगा चैनल को तो कर लो, क्योंकि कल भी सेशन है, परसों भी सेशन है, उसके बाद भी सेशन है, 14 तारीख तक कंटिन्यू लाइव सेशन है, रोज चार लाइव सेशन आप लोगों को मिलने वाले हैं। और आज जैसे ही ये फ्लेक्सिबल पेमेंट खत्म होगा मैं शाम में 8 बजे आप लोगों को रिजिड पेमेंट भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बने रहना है, और उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को अभी तक हिट नहीं किया होगा तो अभी हिट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं, सर गुजरात में कोई ट्रेनिंग सेंटर है क्या, यार इसके पहले के भी सेशन में मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, मैं एक बार और दोहरा दूंगा आप लोगों के लिए कि हमारे सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है। सर जीएसबी का मिनिमम साइज क्या होता है, भाई जीएसबी का मिनिमम साइज भी आप लोग जो है वो डायरेक्ट लिख सकते होगे, जो कि है 75 माइक्रोन का, ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम साइज की तरफ नहीं जाना है, आप ये याद रखिए कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। और अगर आपको मिनिमम भी जानना है तो वो भी है हमारा 75 माइक्रोन का, लेकिन ये आप लोगों को डिटेल में समझना है तो यार हाईवे कंस्ट्रक्शन के कोर्स में जाइए, मैंने एक एक लेयर के बारे में पूरी डिटेल में बताया है, हर एक लेयर के बारे में एकदम डिटेल में बताया, जहां से आप लोग इजीली सीख सकते हो। थोड़ा जूम इन हो गया, ये ठीक करने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने सबसे पहली लेयर क्या बताई आप लोगों को, सबग्रेड की बताई है, ठीक है, मैंने आप लोगों को सबसे पहली लेयर बताई है सबग्रेड की,
ठीक है, सबग्रेड के बाद कौन सी लेयर बताइए मैंने आप लोगों को, सबग्रेड के बाद जीएसबी की लेयर है, जीएसबी के बाद कौन सी लेयर थी, जीएसबी के बाद थी डब्ल्यूएमएम की लेयर, डब्ल्यूएमएम का फुल फॉर्म होता है वेट मिक्स मैकेडम, और जीएसबी का क्या होता है, ग्रैनुलर सब बेस, ग्रैनुलर सब बेस, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब WMM के ऊपर जो अगला लेयर है वो है DBM की, DBM, DBM का फुल फॉर्म क्या है हमारा, डेंस बिटुमिन मैकेडम, ठीक है, डेंस बिटुमिन मैकेडम। तो ये भी आप लोगों को याद हो, पता होना चाहिए, याद रखना है कि पहले सबग्रेड, फिर जीएसबी, फिर WMM और फिर DBM, ये एकदम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सबग्रेड हुआ, जीएसबी और डब्ल्यूएमएम हो गया, डीबीएम हो गया। अब फाइनल लेयर कौन सी होती होगी, फाइनल लेयर कौन सी होती होगी हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट में, वो होती है हमारी बिटुमिन कंक्रीट की, बीसी मतलब होता है बिटुमिन कंक्रीट, डीबीएम के ऊपर लगाई जाती है ये लेयर। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी थिकनेस कितनी होती होगी, बिटुमिन की थिकनेस कितनी है, डीबीएम की थिकनेस कितनी है, डब्ल्यूएमएम की थिकनेस कितनी है, जीएसबी की थिकनेस कितनी है, सबग्रेड की थिकनेस कितनी है, ये सारी चीजें, इन सारी थिकनेस हमें बताई जाती है टीसीएस ड्राइंग में। अब ये टीसीएस ड्राइंग क्या होती है, टीसीएस ड्राइंग होती है टिपिकल क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग, टिपिकल क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग, जिसमें थिकनेस भी बताई जाती है हमारे लेयर्स की और विड्थ भी बताई जाती है हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन के रोड के अलग अलग लेयर्स की, ठीक है। अब डीबीएम हो गया, बिटुमिन कंक्रीट हो गया, तो अब क्या बचा है हमारी ये सारी लेयर से, आप लोगों को याद रख लेना है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यूट्यूब चल रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड भी हो जाता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग ये नोट डाउन कर पाए, डेंस बिटुमिन मैकेडम बिटुमिन कंक्रीट लिख दूं क्या मैं आप लोगों के लिए, डेंस बिटुमिन मैकेडम, और ये होता है हमारा बिटुमिन कंक्रीट वेट मिक्स मैकेडम, मैंने लिखा हुआ है, जीएसबी का फुल फॉर्म होता है ग्रैन्यूलर सब बेस, ठीक है, ग्रैनुलर सब बेस, और सब ग्रेड तो लिखा ही है मैंने, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एक बार आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर डीबीएम में भी बिटुमिन है और बिटुमिन कंक्रीट में भी बिटुमिन है, कोई भी एक लेयर डालो ना, दो दो बिटुमिन की लेयर क्यों डाल रहे हो, तो डेंस बिटुमिन मैकेडम और बिटुमिन कंक्रीट में एक फर्क होता है यार, फर्क ये होता है कि जो डीबीएम होता है हमारा, इसके एग्रीगेट साइज होते हैं थोड़े से बड़े, डेंस होते हैं, ठीक है, एग्रीगेट साइज डेंस होते हैं, और बिटुमिन कंक्रीट के एग्रीगेट साइज थोड़े से छोटे होते हैं, 13.5 mm के हमारे क्या होते हैं, बिटुमिन कंक्रीट के एग्रीगेट साइज होते हैं, इसलिए जो है ये फाइनल लेयर में डाला जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, जानता हूं मैं कि सर ये तो आपने बता दिया लेयर्स के बारे में, लेकिन हम लोग जब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे तब हम लोगों को एक सवाल था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में बहुत सारी कोटिंग भी की जाती है, कोट्स भी किए जाते हैं, तो वो कोट्स क्यों किए जाते हैं और कहां किए जाते हैं, ये भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, जिसका जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। उससे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को ये जानना है कि कितने तरह की कोटिंग की जाती है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। अगर आप सभी को जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भी जानना चाहते हो। यस सर, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। देख रहा हूं मैं साइज 0.4 mm सर, डीबीएम, हाँ सर बिल्कुल, डीबीएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर डीबीएम के ग्रेड क्या क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी बिटुमिन कंक्रीट या डीबीएम की बात आती है तो इनके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। ये रब कर दूं क्या मैं, ये हटा देते हैं,
ठीक है, इसे हटा देते हैं और यहां पे मैं अभी ग्रेड के बारे में लिखता हूं। तब तक कि अगर आप लोगों को भी कोर्स के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताइए मुझे, तभी बताऊंगा मैं, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के मैं ग्रेड्स लिख देता हूं आप लोगों को। वीजी 10 होता है, वीजी 20 होता है, वीजी 30 होता है और वीजी 40 होता है। अब वीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? वीजी का फुल फॉर्म होता है विस्कोसिटी ग्रेड। क्या होता है फुल फॉर्म? विस्कोसिटी ग्रेड। ठीक है, अलग अलग कोटिंग के बारे में। यस सर जवाब आ गया भाई, क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। और कमेंट कीजिए आप लोग और ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक्स कीजिए। जिन लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले अभी बहुत पूरा वीक बचा है। कंस्ट्रक्शन वीक का आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में आप लोगों से मिल रहा हूं, लेकिन इसके बाद और भी हमारे ट्रेनर जो है आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करते रहिए मेरे लिए। ठीक है, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको ये भी बात है ना, बिल्कुल सर। सर हाईवे में कौन से स्कोप की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। विकास गुरुजी स्टूडेंट, सर वीआर में अलग अलग होता है क्या? सर वीआर में क्या अलग होता है, मतलब मैं समझा नहीं। वीआर क्या बोल रहे हो आप? मैं वीजी पढ़ा रहा हूं आपको, वीआर क्या पूछ रहे हो आप, थोड़ा डिटेल में पूछिए, है ना। चलिए, तो बहुत सारे जवाब आए कि आप लोगों को हाईवे कंस्ट्रक्शन की कोटिंग के बारे में भी सीखना है, तो चलिए कोट्स के बारे में सीखते हैं, देर नहीं करते, है ना, कोट्स के बारे में सीखते हैं हम लोग। इसे रब कर देते हैं, तो भाई देखो सबसे पहले तो ये चेंज करना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसी के बाद इस तरीके का रोड बनाना एकदम आसान काम नहीं होता है, ऐसा रोड तो आप लोग साए से निकल जाते हो। लेकिन एक बार और रिपीट करना चाहूंगा कि पहली लेयर कौन सी होती थी, मेरे साथ रिपीट करेंगे। फर्स्ट लेयर कौन सी बताया मैंने, कमेंट सेक्शन में कमेंट होना चाहिए कि पहली लेयर होती थी हमारी सबग्रेड की, पहली लेयर होती है हमारी सबग्रेड की। ठीक है, इसके बाद दूसरी लेयर कौन सी होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ बिल्कुल, अभिषेक कुमार जी ने एकदम सही जवाब दिया कि पहली लेयर होती है सबग्रेड की। अभिषेक जी बताइए दूसरी लेयर कौन सी होती है, जीएसबी की। यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। एक और क्वेश्चन है शास्त्र जी का कि कर्नाटक में आपका ब्रांच कहां है? सर कर्नाटका में अभी नहीं है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कर्नाटका में भी हमारा ब्रांच जरूर होगा, जीएसबी। तो भाई एकदम सही जवाब है कि अगली जो लेयर होती है हमारी वो होती है जीएसबी की, सबग्रेड जीएसबी। अब सोचना है थोड़ा, ठीक है। इसकी बात की लेयर कौन सी होती है, डब्ल्यूएमएम की। डब्ल्यूएमएम नाम से ही समझ में आ रहा है, वेट मिक्स मैकेडम। क्या है वेट मिक्स मैकेडम? डब्ल्यूएमएम का फुल फॉर्म क्या है, वेट मिक्स मैकेडम। तो डब्ल्यूएमएम का जब फुल फॉर्म है वेट मिक्स मैकेडम, मतलब कि वो लेयर में पानी होगा, गीली होगी वो लेयर। तो अब क्या होता है, जब कोई लेयर गीली है तो वो अपना पानी दूसरी लेयर को ट्रांसफर कर सकती है, दूसरी लेयर उसका पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये कैपिलरी एक्शन रोकने के लिए, ये एक लेयर का पानी दूसरी लेयर में ना जाए, इसलिए कैपिलरी एक्शन रोकने के लिए हम लोग एक कोट प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है हमारा प्राइम कोट। ये है हमारा वो कोट जिसे कहा जाता है प्राइम कोट। तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो यार एकदम, अगर आप लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या हाईवे कंस्ट्रक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइम कोट, प्राइम कोट रेजिस्ट कैपिलरी एक्शन बिटवीन टू लेयर्स। क्या करता है प्राइम कोट, प्राइम कोट रेजिस्ट कैपिलरी एक्शन बिटवीन टू लेयर्स। लिखेंगे सभी, एक है सर रांची में आपका क्लास चलता है क्या? बिल्कुल सर, रांची में हमारा क्लास जो है वो बिल्कुल रन किया, बिल्कुल रन होता है। ठीक है, तो आप वहां जाके बिल्कुल पढ़ सकते हो। गुड इवनिंग सर, महाराष्ट्र में आपका ब्रांच है क्या? यार पुणे में ब्रांच है, पुणे में। ठीक है, अब इसके बाद प्राइम कोट हो गया, प्राइम कोट के बाद मैंने क्या बताया कौन सी लेयर आएगी, डब्ल्यूएमएम की। ये देखो डब्ल्यूएमएम यही है वो गीली लेयर जिसका पानी इसकी उसकी लेयर में जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर प्राइम कोट है
तो वो पानी अगर नीचे वाली लेयर में जा रहा है तो उसके ऊपर वाली लेयर में भी जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जा सकता है। तो WMM के ऊपर भी एक बार प्राइम कोट करना पड़ेगा, WMM के ऊपर भी एक बार प्राइम कोट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो ये गीली है, इसमें पानी है, तो ये पानी नीचे वाली लेयर में भी जा सकता है और इसके ऊपर वाली लेयर में भी जा सकता है। ये WMM का पानी ऊपर भी जा सकता है, WMM का पानी ऊपर भी जा सकता है, WMM का पानी नीचे भी जा सकता है। इसलिए WMM के ऊपर भी मैंने प्राइम कोट किया, WMM के नीचे भी मैंने प्राइम कोट किया है, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। चलिए सर, अब प्राइम कोट के बाद, WMM के बाद प्राइम कोट कर लिया, इसके बाद कौन सी लेयर बताया था मैंने आप लोगों को? इसके बाद आपकी जो लेयर है वो है, अब देखो एक कहानी बताता हूं, ध्यान देना। WMM और DBM ये दोनों क्या है, अलग अलग फैमिली से आ रही है, ठीक है? DBM और WMM दोनों अलग अलग फैमिली से है। देखो WMM कौन सा है, ग्रैनुलर मटेरियल है, और DBM कौन सा है, बिटुमिन मटेरियल है। तो ये दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बनेगा क्या? ये दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये ग्रैनुलर लेयर है, ये बिटुमिन की लेयर है, तो ये दोनों के बीच में कभी भी अच्छा बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए हम एक और कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, और वो कोटिंग होती है टैक कोट। टैक कोट भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये दोनों लेयर्स के बीच में अच्छा बॉन्ड बने। फेविकॉल का जो टूटे नहीं टूटेगा टाइप इमल्शन मटेरियल होता है हमारा टैक कोट, ठीक है? इमल्शन टाइप मटेरियल होता है हमारा टैक कोट, ठीक है? तो देखो ब्लैक ही है तो दिखने में नहीं आएगा, लेकिन यहां लिख के आ गया, WMM के ऊपर प्राइम कोट, उसके ऊपर टैक कोट, ठीक है? तो अब ये जो टैग कोट है ये क्या काम करता है, दोनों लेयर को चिपकाने का काम करता है। तो टैग कोट की डेफिनेशन लिखिए, टैग कोट इज अ इमल्शन टाइप मटेरियल विच गिव्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू लेयर्स, विच गिव्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन टू लेयर्स। ये लिखना है आप लोगों को, टैग कोट इज अ इमल्शन टाइप मटेरियल विच गिव्स Strong bond between two layers। और कौन सी दो लेयर, WMM और DBM, दोनों के बीच में अच्छा क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, इसलिए टैग कोट। अब इसके ऊपर आ जाएगी आपकी DBM की लेयर। DBM का फुल फॉर्म क्या होता है, डेंस बिटुमिन मैकेडम, ठीक है? अब DBM के बाद कौन सी लेयर है, DBM के बाद कौन सी लेयर है बताइए मुझे, कमेंट करिए, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, कमेंट करिए अभी। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने क्या बनाया, आप लोगों ने बनाया टैग कोट, टैग कोट के ऊपर DBM बना लिया। तो अब DBM के ऊपर कौन सी लेयर आएगी, DBM के ऊपर कौन सी लेयर आएंगी? ऑब्वियसली यार DBM के ऊपर आती है हमारी बिटुमिन कंक्रीट की लेयर। बिटुमिन कंक्रीट मतलब होता है कि हमारा जो DBM है उसके ऊपर BC बिटुमिन कंक्रीट। अब बिटुमिन कंक्रीट की लेयर जो होती है हमारी फाइनल लेयर होती है, इसी के ऊपर से व्हीकल्स जो होती है वो रन करती है। अब इसी के ऊपर से जब व्हीकल्स रन कर रही है तो इसके ऊपर बारिश का पानी भी गिरेगा, और बिटुमिन में छोटे मोटे गैप जो है वॉइड्स बच जाते हैं, तो वो छोटे मोटे वॉइड्स और छोटे मोटे गैप्स को फील करने के लिए हम लोग इसके ऊपर भी एक कोटिंग करते हैं, उसका नाम है सील कोट। लिखेंगे SEAL, सील कोट, लिखेंगे SEAL, सील कोट। अब सील कोट का काम क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा यार, सबसे ज्यादा रोड क्यों खराब होते हैं, बारिश के पानी से खराब होते हैं सबसे ज्यादा रोड। अब ये बारिश के पानी से सबसे ज्यादा रोड खराब होते हैं, तो जब ये पानी हमारे इन सारी लेयर्स में जाता है तो ही तो रोड टूटता है, तो क्यों ना वाटर प्रूफिंग कर दी जाए हमारे इस हाईवे कंस्ट्रक्शन की लेयर को। अब मुझे बताओ कि अगर हम लोगों को वाटर प्रूफिंग करनी है तो कहां करेंगे, फाइनल लेयर में करेंगे ना। फाइनल लेयर कौन सी है, बिटुमिन कंक्रीट की। तो बिटुमिन कंक्रीट के ऊपर किया जाता है क्या, वाटर प्रूफिंग, किस लेयर, कौन से कोटिंग से, सील कोट से, सील कोट। तो सील कोट जो है उसकी डेफिनेशन लिखिए आप लोग, सील कोट इज अ वाटर प्रूफिंग लेयर, सील कोट इज अ वाटर प्रूफिंग लेयर। मतलब बिटुमिन कंक्रीट के ऊपर डाला जाता है,
सील कोट को, ताकि जो बारिश का पानी है वो हमारे कंक्रीट, वो हमारे बिटुमिन कंक्रीट के अंदर ना जाए और हमारा जो रोड टूटा टूटा नजर आता है ना आप लोगों को, वैसा ना हो। सो इंजीनियर्स क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? सब बेस जीएसबी, जीएसबी के ऊपर क्या किया हम लोगों ने? प्राइम कोट, फिर WMM, फिर प्राइम कोट, फिर टैग कोट, फिर DBM, फिर बिटुमिन कंक्रीट, और फिर इसके बाद फाइनल लेयर में हम लोगों ने क्या किया? फाइनल लेयर में हम लोगों ने किया सील कोट। ठीक है, तो सील कोट एक बार आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं मैं यहां पर, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। सील कोट, ठीक है, सील कोट। तो याद रखना है आप लोगों को ये सारा सीक्वेंस, ये सारा सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। और यार ये अगर मैं कहूं ना तो ये हाईवे कंस्ट्रक्शन का एकदम छोटा सा पॉइंट है जो आप लोगों को एकदम पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है बैक बेंचर विनय से, सर रोड कास्टिंग क्या होती है? रोड कास्टिंग मतलब कि जब रोड बनाया जाता है और रोड के मटेरियल की लेइंग की जाती है उसे कहा जाता है रोड कास्टिंग। ठीक है, बिल्कुल यार जवाब दिया मैंने आपकी रोड कास्टिंग का। अलग अलग क्वेश्चन है सर, यूजुअली सील कोट हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किया जाता। बिल्कुल किया जाता है यार, जो ईमानदारी से रोड बनाना चाहते हैं, जो लंबे समय तक का रोड बनाना चाहते हैं, उन्हें सील कोट प्रोवाइड करवाना जरूरी है ताकि वाटर प्रूफ रहे हमारा, जो हमारा जो रोड होता है वो वाटर प्रूफ रहे, वॉइड्स के अंदर पानी ना जाए और वो टूट ना जाए। ठीक है सर, मैंने SBR नहीं कहा है, CBR कहा है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। एक और सवाल है सर, BBS का मतलब क्या होता है? BBS का मतलब होता है बार बेंडिंग शेड्यूल मेरे दोस्त। चलिए बहुत सारे सवाल है सर, गुजरात में कहाँ है ब्रांच? चलो यार आप लोगों को ना अब एक बार बताई देता हूं मैं अलग अलग ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, बहुत सारे सवाल आप लोगों के। तो आप लोगों को अगर सिविल गुरुजी की ब्रांचेस के बारे में जानना हो कि ब्रांचेस कहां कहां पर है, तो ये है यार हमारी वेबसाइट है, सिंपली आपको लिखना है civilguruji.com और उसके बाद चले जाना है कॉन्टेक्ट अस में। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस में जाने के बाद अगर आप लोगों को क्वेरीज है तो यहाँ पे ये फॉर्म भर दीजिए छोटा सा, और अगर आप लोगों को डिटेल समझनी है कि कहां कहां पर है सिविल गुरुजी के ऑफिसेस, तो सबसे पहले तो हेड ऑफिस है जो कि हमारा भिलाई में, और हमारी जो ऑफलाइन ब्रांचेस है वो है अहमदाबाद में, दिल्ली में, प्रयागराज, औरंगाबाद, द्वारका, मथुरा, भोपाल, जयपुर, मोहाली, भिलाई, लखनऊ, पुणे, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, देहरादून, रांची। ये सारी जो है ऑफलाइन ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में 17 ब्रांचेस अवेलेबल है। आप लोग कहीं भी जाकर ऑफलाइन की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? कॉल करना है 9111001234 पर, अभी कॉल कीजिए 9111001234 पर, ताकि आप लोग ट्रेनिंग आज से ही शुरू कर पाए। टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि ये सारी लेयर्स है जिसके बारे में हमने सुना, एक बार रिवाइज करूंगा, सभी साथ देंगे और ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहली लेयर मैंने आप लोगों को बताई जो कि थी हमारी सबग्रेड की, इसके बाद आई हमारी कौन सी लेयर? इसके बाद आई हमारी जीएसबी के लेयर, इसके बाद आया हमारा अगला लेयर, ठीक है, जो कि है प्राइम कोट, इसके बाद आया हमारा, इसके बाद की लेयर हमारी आई WMM की, इसके बाद एक और कोट, एक और बार प्राइम कोट, प्राइम कोटिंग की गई, फिर इसके बाद और एक लेयर जो कि होगी हमारी टैग कोट। टैग कोट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, एक बार रिपीट कर रहा हूं अगर कोई लोग छूट गए थे तो, याद रखिए टैग कोट इसलिए किया जाता है ताकि WMM और WMM के बाद हमारा जो DBM है उन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बना सके, फिर इसके बाद DBM और फिर इसके बाद बिटुमिन कॉन्क्रीट। बिटुमिन कॉन्क्रीट के ऊपर किया जाता है सील कोट। ठीक है, चलिए सर एक और सवाल है WBM, यार पहले जाके देखिए अरुण कुमार जी, WBM का फुल फॉर्म मैंने बताया, वाटर बाउंड मैकेडम है। ठीक है, चलिए सर, तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोगों को डिटेल में ना हाईवे कंस्ट्रक्शन सीखना है या डिटेल में आप लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सीखना है यार, तो आप लोगों के लिए एक मस्त गिफ्ट लेके आया हूं मैं, एक नंबर गिफ्ट है। आप लोगों को ये सारे कोर्सेज के साथ,
ये सारे कोर्सेज जो है, चाहे वो बिल्डिंग फॉर कॉप्स हो, बिल्डिंग फॉर हाईवे हो, सीटीसी ऑफलाइन कोर्सेज हो, ब्रांचेस में जाके विजिट पढ़ना है आप लोगों को, या फिर एसडीओ, उन सबको एक चीज मिलने वाली है फॉर 69 इंजीनियर्स, सिर्फ 69 इंजीनियर्स को मिलेगा 14 फरवरी तक। क्या मिलने वाला है? कॉल करो अभी और पता करो 9111001234 पर। कॉल क्या करना है? 9111001234, जिसमें स्टार्टअप फ्रेंड मिलेगा आप लोगों को। कौन मिलेगा? स्टार्टअप फ्रेंड मिलेगा, ये सारे कोर्सेज के साथ फ्री आप लोगों को स्टार्टअप फ्रेंड मिलेगा। अब ये क्या काम आएगा आपके? कॉल करके पूछो ना यार, 9111001234 पर, ठीक है? तो ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कोर्सेज करने के बाद फायदा क्या है, तो मैं बता चुका हूं, ये कोर्सेज करने के बाद फायदा ये है कि आप भी इन जैसे इन अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में एनरोल हो सकते हो, मतलब जॉब कर सकते हो और अपना करियर जो है वो सिक्योर कर सकते हो, करियर ग्रोथ को आगे ले जा सकते हो। लेकिन इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आप लोगों को अगर एनरोल होना है ना, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज ये सर्टिफिकेट्स मांगती है जो कि आपको कोर्स कंप्लीशन के बाद मिल जाएंगे। तो आप लोगों को कोर्स पढ़ना शुरू करना है यार, अपने अंदर स्किल्स लाना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, तभी आप लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। रोज अपने अंदर नई स्किल्स लाना शुरू कीजिए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है? इसके बाद आप लोगों को ऑटो कैड, मतलब ऑटो डेस्क सर्टिफाइड मिलेगा। जिस कंपनी ने ऑटो कैड को बनाया है ऑटो डेस्क, उस कंपनी से सर्टिफाइड है सिविल गुरुजी, और वो सर्टिफिकेट दे रहा है आप लोगों को। वो जो हर चौराहे पे मिलते हैं ना, वो सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है? ऑथराइज सर्टिफिकेट है ऑटोडेस्क का। यहां से सीखेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता कि इसको ऑटोकैड नहीं आता या इसने फर्जी जगह से करके आया है, ठीक है? तो असली जगह से कीजिए, प्रीमियम क्वालिटी के सर्टिफिकेट लीजिए, ताकि आप लोगों की जॉब अच्छे से अच्छी लग सके, ठीक है? तो अब ये सर्टिफिकेट भी अगर आपके रिज्यूम में ऐड हो जाता है तो आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी मना नहीं कर सकती। तो आपको पढ़ना शुरू करना है, स्किल्स ऐड करना शुरू करना है। तो मैं चलता हूं, शाम में 8 बजे मिलूंगा। रिजिट पेमेंट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, तो 8 बजे मिलना है आज रिजिट पेमेंट के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके, ठीक है? अब लास्ट में जाते जाते आप लोगों को कहना चाहूंगा कि करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।